हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स चैनल पर। आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं एक ऐसे शहर में जो पश्चिम बंगाल का एक मॉडर्न और प्लान्ड शहर है। ये कोलकाता से जुड़ा और तेजी से विकसित होने वाला एक स्मार्ट शहर है जिसे न्यू टाउन के नाम से जाना जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप भी अपने शहर का वीडियो चैनल पर देखना चाहते हैं तो अपनी सिटी का नाम हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, निकलते हैं न्यू टाउन के एक अमेजिंग वर्चुअल टूर पर। न्यू टाउन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से 11 किलोमीटर दूर और लगभग 94 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला एक मॉडर्न और वेल प्लान्ड शहर है जो कोलकाता मेट्रोपॉलिटन एरिया का हिस्सा है, जिसे कोलकाता की बढ़ती पॉपुलेशन के चलते डेवलप किया गया है। अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होने के साथ साथ कोलकाता की इस सैटेलाइट सिटी में रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल एरिया मौजूद है। यहाँ पहले से ही कई प्रमुख आईटी कंपनियों ने शहर में अपना आधार स्थापित कर लिया है, जिस वजह से न्यू टाउन कोलकाता के बाद दूसरे आईटी हब के रूप में उभरा है। न्यू टाउन को फिनटेक हब के रूप में भी विकसित किया जा रहा है, जिसके अलावा शहर में कई एजुकेशनल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के कैंपस भी मौजूद हैं। ये शहर सिर्फ नाम से नहीं बल्कि काम से भी नया है, जिसमें सोलर एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाईफाई जोन, मेट्रो रेल सिस्टम, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिजेस जैसे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जो इसे एक वेल प्लान्ड स्मार्ट शहर बनाते हैं। न्यू टाउन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए पार्क्स, ग्रीन एरियाज, लेक और कई इको फ्रेंडली रिक्रिएशनल एरियाज को भी बनाया गया है, जो यहाँ रहने वाले 10 लाख लोगों के लिए एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। साथ ही शहर में कई मॉडर्न लग्जरी मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी मौजूद हैं। साथ ही न्यू टाउन खाने के लिए खास मशहूर है, जहां माछ भात, झींगा मछली के अलावा रसोगुल्ला, संदेश जैसे स्वादिष्ट बंगाली स्वीट्स देश भर में फेमस हैं। यहां की ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली है और बंगाली के अलावा लोग हिंदी और इंग्लिश भी बोलते हैं। वहीं बात करें स्पोर्ट्स की तो इस मामले में भी न्यू टाउन पीछे नहीं है, जहां वर्ल्ड क्लास फुटबॉल कॉम्प्लेक्स और क्रिकेट स्टेडियम जैसे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। न्यू टाउन में ट्रैवल करने के लिए बस, टैक्सी, ऑटो और ई रिक्शा के अलावा मेट्रो रेल के द्वारा शहर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और मजबूत किया जा रहा है। और अगर आप भी न्यू टाउन सिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये शहर बाय रोड, रेल और कोलकाता एयरपोर्ट से काफी अच्छे से जुड़ा है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। कलकत्ता जो आज मगरबी बंगाल का दारुल हुकूमत है, कभी ये पूरे भारत का दारुल हुकूमत हुआ करता था। और ब्रिटिश जब हिंदुस्तान में आए थे तो उन्होंने कलकत्ता को ही अपना दारुल हुकूमत बनाया था, और 1911 में फिर कलकत्ता से नई दिल्ली को अपना दारुल हुकूमत मुंतकिल कर दिया गया था। तो कलकत्ता की एक बहुत ही शानदार हिस्ट्री है, और उसी कलकत्ता के ऊपर से बोझ कम करने के लिए जिस तरह मुंबई में नवी मुंबई बनाया जा रहा है, तो इस तरह कलकत्ता में नया कलकत्ता तो नहीं बनाया जा रहा, लेकिन न्यू टाउन के नाम से एक ऐसा स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है जो देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और अगर मैं ज़ाती तौर पर बताऊं कि मुझे सबसे ज़्यादा इस शहर की क्या चीज़ पसंद आ रही थी, हर चीज़ थी वैसे बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन जो दुनिया के अजायब हैं यानी 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड हैं, उनके जो नमूने बनाए गए थे वो बहुत ही शानदार नज़ारा पेश कर रहे थे। फिर एक नया शहर है, सिर्फ 94 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ शहर है, सिर्फ 10 लाख की आबादी रखता है, जो कि कलकत्ता के मुकाबले में अच्छी खासी कम है। और ये कलकत्ता को एक मतवाजन तरीके से तरक्की करने के लिए एक बेहतरीन मौका भी फराहम करेगा, और बंगाली लोगों को खुल के तरक्की करने का मौका देगा, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इलाका है। और बंगाल कभी पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इतना अमीर हुआ करता था कि ब्रिटिश के आने से पहले यहाँ पर जो जीडीपी थी वो पूरी दुनिया की जीडीपी का 1/4 या 25% हुआ करती थी। तो आज भी बंगाल में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आज भी वेस्ट बंगाल भारत की एक तरक्की याफ्ता और खुशहाल रियासत मानी जाती है। तो उसी के दारुल हुकूमत कलकत्ता को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए एक न्यू टाउन का इलाका बनाया गया, जिसे आज देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इस शहर में
इन्वायरमेंट बहुत ही ज़बरदस्त रखा गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको यहाँ पर जा बजा देखने को मिलेंगे, मेट्रो भी यहाँ पर है, कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा आसान है। अभी शहर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है तो सड़कों के ऊपर रश भी इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता, और कंपनीज़ भी यहाँ पर बड़ी तेज़ी के साथ आ रही हैं, सोलर वगैरह का भी इस्तेमाल किया गया है। तो कुल मिला के कलकत्ता का न्यू टाउन एक ऐसा बेहतरीन शहर बनाया गया है जो मौजूदा कलकत्ता के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि कलकत्ता अब बहुत ही गुंजान आबाद शहर हो चुका है। और उसका जो हावड़ा ब्रिज है, कहा जाता है कि वहाँ पर एक दिन में 5 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ गुजरती हैं। और उसी हावड़ा ब्रिज के बिल्कुल नीचे भारत की पहली मेट्रो बनाई गई है जो समुंदर के अंदर भी चलती है, तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है। और भी कलकत्ता के बड़े फैक्ट्स हैं, जैसे कि इसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, यहाँ की दुर्गा पूजा पूरी दुनिया में मशहूर है, यहाँ के बंगाली रसगुल्ले पूरी दुनिया में मशहूर हैं। कलकत्ता प्यार करने वालों का शहर है, बहुत ही ज़बरदस्त शहर है। तो न्यू टाउन तो फिर कलकत्ता से भी आगे की चीज़ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो हिस्ट्री कलकत्ता अपने अंदर रखता है वो हिस्ट्री न्यू टाउन तो कभी हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी चले, ये एक जदीद दुनिया का स्मार्ट सिटी है, तो ये अपनी जगह शानदार है। बाकी जो मरकज़ी शहर कलकत्ता है उसका तो कोई मुकाबला नहीं होगा। बंगाली सरजमीन में रहने वालों का फ़ख्र है कलकत्ता, और बंगालियों ने जिस मेहनत के साथ इस शहर को इस मुकाम पर पहुँचाया वो काबिले तहसीन है। बाकी न्यू टाउन देख के भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।